तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जी मैं जी कोविड पॉजिटिव हो गया था, उसके बाद सर एक दो क्लास मैंने स्टार्ट की है, उसमें एक क्लास है। तो बात हम करेंगे आज थ्योरिकल पार्ट की, फंडामेंटल ऑफ द वीवीए प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। थ्योरी थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी जी जब जानते हैं तो आपको लर्निंग का बेस तैयार होता है। ओके तो सबसे पहले जानिए कि जो सीखने जा रहे हो क्या है, वो है वीवीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, जी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ये और ये पूरा का पूरा एमएस ऑफिस में परफॉर्म करता है, पूरा एमएस ऑफिस में, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, ये पूरा इस पे वर्क करता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि VV6 है या VV स्टूडियो है ना सर, ये विजुअल सिक्स जी स्टूडियो, ये चीजें नहीं है, समझे? क्योंकि जी इसकी मदद से आप एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जी बट इसकी मदद आप वीवी की मदद से एक्सेल और एमएस ऑफिस के अंदर हम एक नए टूल्स को डेवलप करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जी समझ गए? अब बात करते हैं कि वीवी एक फैक्ट्री है, उसका जी प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब वीवी से आप क्या क्या बनाएंगे और उसका क्या यूज है, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो इसकी मदद मतलब से हम बनाएंगे माइक्रोज। माइक्रोज क्या होता है? माइक्रोज जैसे ऑटो पायलट। जी अब जैसे आपको रिपोर्ट आपको बनाना है, रिपोर्ट बनाने के लिए आप तकरीबन 60 या 70 स्टेप फॉलो करते हो। जी उस 60 और 70 स्टेप को वीवी कोड में डाल दीजिए माइक्रोज के अंदर। नेक्स्ट टाइम आपको जस्ट माइक्रोज कोड रन करना है, डेवलपर टाइम में जाके रन करना है। जी स्टेप को वन बाय वन सिक्वेंसली वो फॉलो करेगा और आपका रिपोर्ट बना के दे देगा, वो भी कुछ सेकेंड्स में। जी ठीक है, तो माइक्रोस को हम ये कह सकते हैं कि ये ऑटो पायलट है, मतलब आप भी आप पे आपका काम कर देने वाला। जी समझ गए? अब जी माइक्रो से कंफ्यूज नहीं हुई है कि रिकॉर्ड माइक्रो है, रिकॉर्ड माइक्रो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग माइक्रो को माइक्रो समझते हैं, कोडिंग को वीवीए कहते हैं। एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। कंफ्यूजन क्या है कि आप जो रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं ना, वो भी वीवीए प्रोग्रामिंग ही यूज करता है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, स्टॉप मैक्रो कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कोड एडिट कर देता हूँ। तो देखिए, ये वीवीए प्रोग्रामिंग है। तो रिकॉर्ड मैक्रो एक तरह से एक ट्रांसलेटर है, जो कि आपके बिहाफ पे खुद मैक्रोज क्रिएट कर देता है, और जो जो माउस इवेंट और कीवर्ड इवेंट आप फॉलो करते हो, उसको वो कोड में कन्वर्ट करते चला जाता है। तो आप माउस से जो भी करेंगे, वो आपके बिहाफ पे वो मैक्रो बना देगा, लेकिन लैंग्वेज वो भी वीवीए प्रोग्रामिंग ही यूज करेगा। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आती है, जब रिकॉर्डिंग मैक्रो मेरा मैक्रो बना दे रही है, तो फिर मैक्रो सीखेंगे क्यों हम? इसका सॉल्यूशन ये है, इसका जवाब ये है कि रिकॉर्डिंग मैक्रो बहुत ही कम यूज होने वाला है। ये डायनेमिक नहीं हो सकता, लूपिंग नहीं कर सकता, कंडीशन नहीं लगा सकता, कनेक्टिविटी नहीं कर सकता, समझ गए ना? तो क्या इसका यूज नहीं है? इसका यूज है, आगे मैं बताऊंगा इसका यूज, फिलहाल इसको स्किप कीजिए। तो माइक्रो समझ में आ गया, माइक्रोज क्या होता है, माइक्रोज और वीवीए का डिफरेंस समझ में आ गया, रिकॉर्डिंग मैक्रो क्या है समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो बनाते हैं फंक्शन, वीवी इसको फंक्शन कहते हैं, लेकिन आम बोलचाल में इसको हम लोग फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कि वी लुकअप है, एच लुकअप है ना, बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। ऐसे फॉर्मूलेज खुद के आप क्रिएट कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं सर, ऑलरेडी इतने सारे फॉर्मूला जो पहले से पता ही नहीं है, और फॉर्मूला बनाने की बात हो रही है।
तो फॉर्मूला आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा जो आपकी जरूरत है, जिसके लिए एक्सेल फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। जैसे वी लुकअप की बात कर लीजिए, लुकअप लीनियर लुकअप करता है, मतलब कि अगर मान लीजिए पूजा दो बार है तो पहले पूजा का ही रिकॉर्ड देगा, दूसरे पूजा का रिकॉर्ड नहीं देगा। तो आप अपने लिए एक मैक्रो बना सकते हैं कि दोनों पूजा का रिकॉर्ड दे दे जी, कॉमा लगा के, क्या ओके। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, या बड़े बड़े जो लेंदी 5 लाइन 10 लाइन के फॉर्मूले होते हैं उसको कोड कर दीजिए ताकि वो सिंपल हो जाए अप्लाई। दूसरा, हम मैक्रोज और यूजर फॉर्म में भी इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जो रिपीटेड कोड होते हैं ना, कि एक कोड को 10 बार रिपीट कर रहे हैं हम, तो फंक्शन बना देते हैं 10 जगह पे जो उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन समझ में आया क्या होता है जी। बात करते हैं यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। जैसे कि आप जब कुछ अप्लाई करते हो, जैसे आप पिवट टेबल ही अप्लाई करते हो या कुछ अप्लाई करते हो, तो इस तरह का पॉपअप आता है ना सर जी। इस तरह का पॉपअप बनाना यूजर फॉर्म कहलाता है, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों है? जैसे मान लीजिए कि पिवट टेबल का माइक्रो आपको बनाना है, पिवट टेबल नहीं है मतलब कि इसका फंक्शन अवेलेबल नहीं है, आपको इसके लिए माइक्रोज क्रिएट करना है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको कई सारे माइक्रोज क्रिएट करने पड़ेंगे। पहला पिवट टेबल डेटा विथ न्यू वर्कशीट, डेटा विथ एग्जिस्टिंग वर्कशीट, एक्सटर्नल डेटा विथ न्यू वर्कशीट, एक्सटर्नल डेटा विथ एग्जिस्टिंग वर्कशीट, क्या जी। तो इससे बहुत कंफ्यूजन होती ना, तो यहाँ पे इन्होंने एक दे दिया इनपुट कि भाई यूजर अपने हिसाब से जो इनपुट जो सेट करना है इनपुट दे, और जैसे ओके बटन की कोडिंग है कि वो इनपुट के बिहाफ पे पिवट लगा देगा, जो जो इनपुट दिया हुआ उसके बिहाफ पे पिवट लगा देगा। तो यूजर को अप्लाई करने में आसानी हुई ना सर जी। वरना अगर मान लीजिए पॉपअप नहीं होता तो काफी दिक्कत होती ना जी। 5-7 ऑप्शन होते हैं, हमें याद रखना पड़ता है कि क्या करना, किसको अप्लाई करना है, कब, क्या जी। इसी तरह का इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम यूजर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वीवीए के थ्रू हम माइक्रो बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे एंड यूजर फॉर्म बनाएंगे जी। क्लियर है जी। अब बात करते हैं कि हम कब वीवीए का यूज करेंगे और किसके लिए करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या हमेशा हर काम के लिए हम वीवीए का इस्तेमाल करें? मेरा जवाब है नहीं। वीवीए का यूज हम दो सिचुएशन में करते हैं। रिपीटेड वर्क, जैसे एक रिपोर्ट आपको डेली बनाना होता है, डेली उस पर 2 घंटा खर्च होता है आपका जी। तो उस रिपोर्ट को वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए ऑटोमेट कर दो ताकि अगले दिन आपको कुछ सेकेंड्स में रिपोर्ट बन जाए। लेकिन मान लीजिए बॉस ने आपको एक डेटा भेजा है जिसका समरी क्रिएट करना है जी। उसको पिवट टेबल या किसी और माध्यम से या मैन्युअली जो है आपको देगा और आप उसको कर लेंगे, ठीक है जी। अब उसके लिए वीवीए प्रोग्रामिंग तो काफी बेवकूफी होगा, क्योंकि वीवीए प्रोग्रामिंग ऐसे तो नहीं है लिए और कोड लिख दिए। पहले आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, फिर उसका स्टेप तैयार करना पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी, आपको 2-4-5 एंगल से टेस्ट करना पड़ेगा कि रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा जी। तो इसलिए वीवीए प्रोग्रामिंग हम वहां पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पहले देख लेंगे कि टाइम किस में ज्यादा लगने वाला जी, वीवीए में और मैनुअल में। मैनुअल में मान लीजिए 2 मिनट का काम है तो हम इसको कर लेते हैं जी। लेकिन ये 2 मिनट हर दिन लगने वाला है तो प्रोग्रामिंग की जा सकती है, लेकिन 2-5 मिनट जो है आज ही का है तो उससे अच्छा वीवीए पे ना जाके हम मैनुअल कर दें, ये मेरा मानना है। बाकी आप अपने विवेक, अपने नॉलेज और क्या बोलते हैं उसको, विवेक से काम ले सकते हैं जी। दूसरा सिचुएशन आता है लेंथी वर्क। एक ऐसा काम आया है जो कि एक ही बार आया है, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा जी। 1500 लोगों को आपको एक लेटर मेल करनी है, लेकिन 1500 को एक साथ नहीं भेजना है, एक साथ आप टू में डाल के नहीं भेजना है,
इंडिविजुअली वन बाय वन भेजना है, समझे? अब 1500 मेल कंपोज करना काफी दिक्कत की काम है जी, क्योंकि आपको एक ही बार भेजना है, नेक्स्ट टाइम नहीं भेजना है जी। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग की जा सकती है, ओके, ठीक है। तो दो सिचुएशन होती है, पहला होता है रिपीटेड जॉब, दूसरा होता है लेंथी जॉब, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? अब ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, उससे पहले आप जान लीजिए कि आपका जो माइक्रो का सिक्योरिटी होता है बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। कि अगर आप माइक्रो यूज नहीं करते हैं तो जैसे माइक्रो वाली फाइल को आप ओपन करेंगे आपको सिक्योरिटी वार्निंग दिखाएगा और माइक्रो का कोई भी फीचर वर्क नहीं करेगा जब तक कि अपने माइक्रो को अनेबल नहीं करते हैं सेटिंग में जाकर जी। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि एक फाइल आपने भेजी 100 लोगों को, अब 100 में से ऐसा हो सकता है कि 40 लोग 100 के 100 वीवी एक्सपर्ट हो, ऐसा तो मुझे गारंटी नहीं है ना सर जी। अब 40 लोगों को वीवी के बारे में थोड़ा पता ही नहीं है, वो फाइल खोलेगा देखेगा कि सिक्योरिटी अलर्ट, सीधे बंद कर देगा, बोलेगा फाइल में प्रॉब्लम है जी। अब आपको उसको समझाना होगा कि भाई फाइल में प्रॉब्लम नहीं है, इसको अनेबल करो, माइक्रो है क्या जी। तो काफी टाइम लग जाएगा ना सर इसके लिए, तो काफी सरदर्दी वाला काम हो गया जी। तो उससे अच्छा है कि आप अवॉइड करें क्या जी, जब तक जरूरी ना हो तब तक जो फाइल ट्रेवल करेगी कई सारे पीपल्स को भेजना है, तो जब तक जरूरी ना हो तब तक उसमें वीवी का कंपोनेंट यूज करेगा जी। जब लास्ट ऑप्शन हो कि भाई इसके बगैर तो काम नहीं होगा, आप इसमें वीवी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो इसमें चार चीजें समझ में समझाया, वीवी का यूज हम करते हैं रिपीटेड जॉब और लेंथी जॉब के लिए, और वीवी आज अगर आप अपने लिए यूज कर रहे हो तो सोचने की जरूरत नहीं है, धरले से यूज कीजिए जी। ऐसी फाइल पे यूज करना चाहते हो जो कि बहुत सारे लोगों को भेजना है, भेजना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जी, ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द यूजिंग वीवी। देखिए वीवी के लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, वीवी इनबिल्ड है, इंटरफेस के लिए इंटरेक्ट करने के लिए आपको डेवलपर टैब होना चाहिए। डेवलपर टैब को लाने के लिए फाइल मेनू बार में जाएं, ऑप्शन जाएं, और यहां कस्टमाइज रिबन जी, और ये डेवलपर टैब अनचेक होगा, चेक कर दीजिए, ठीक है जी। अब देखिए विजुअल बेसिक आ गया, इस पे क्लिक कीजिए वीवी शुरू हो जाएगा, इसको बोलते हैं वीवीई, विजुअल बेसिक फॉर एडिटर, ठीक है, विजुअल बेसिक इनबिल्ड होता है एक्सेल के साथ, हर एक्सेल के साथ जी। चलिए उसके बाद आपको अपना सिक्योरिटी डिसेबल को अनेबल करना पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी अनेबल करने से पहले एक चीज जान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने डिसेबल करके दिया है, इसके लिए इसलिए दिया है ताकि आप कोई अननोन माइक्रो फाइल को ओपन करेंगे तो राइटली कोड रन हो जाएगा जिससे आपके सिस्टम को इफेक्ट हो सकता है, वायरस और बहुत सारी चीज जी, समझे जी। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्सेल फाइल है या नॉर्मल फाइल है या वीवीए फाइल है? उसके लिए उसका आइकन से पता चल जाता है, जैसे ये जो आइकन देख रहे हैं ना जी, ये आपका डॉट एक्सेलएस एम है, माइक्रो अनेबल वर्कशीट, इसमें डेटा भी हो सकता है और माइक्रो भी हो सकता है, पूरे नहीं है कि माइक्रो ही होगा, इसमें डेटा भी हो सकता है, लेकिन ये माइक्रो कैरी करता है, ओपन करने से पहले एक बार देखिए अंदर है कि किसका ओपन कर रहे हैं आप,
ठीक है, अगर इस तरह का फाइल आइकन है, इसका मतलब है कि ये जस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्क एक्सेल वर्कशीट है, इसमें वीवी होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये वीवी को कैरी नहीं करता। जी लेकिन इस तरह का आइकन है, इसको बोलते हैं एडिंग्स डॉट एक्सएलएस ए, डेटा कैरी नहीं करता, जस्ट वीवी कोड को कैरी करता है। तो किसी ने आपको डॉट एक्सएलएस ए के फाइल भेजा है, उसको पर्सन अननोन है, तो उसको ओपन ना करें, मेरी सलाह यही रहेगी। जी ठीक है, जी चलिए, समझ में आ गया सर जी। अब दूसरा बात आता है कि फाइल को सेव, किसमें? माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। डिफॉल्ट सेव जो होता है एक्स डॉट एक्सएलएस एक्स में होता है, तो आपको चेंज करना है माइक्रो अनेबल वर्क वीवी इस्तेमाल करने से पहले। ठीक है, शुरुआत देखिए क्या होता है, कभी कभी गलती से हम लोग क्या घंटे दो घंटे इंटरनेट बाकी पर रिसर्च करके हम फाइल बनाते हैं, माइक्रो माइक्रो बनाते हैं, माइक्रो रन करते हैं, माइक्रो रन हो जाता है, बहुत खुश होते हैं, और उस खुशी के माहौल खुशी में ना ध्यान देते हुए हम इसको सेव कर देते हैं डॉट एक्सएलएस एक्स पे, हालांकि वो कंफर्मेशन देता है, फिर भी उसको नजरअंदाज करके हम लोग ओके कर देते हैं। जैसे आप उसको ओके करके सेव करेंगे, आपका पूरा माइक्रो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसी ध्यान रखिएगा कि फाइल को हमेशा माइक्रो अनेबल वर्कबुक में ही सेव करें। क्लियर है जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरा तो डिफॉल्ट सेट आता है, तो आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। इसके लिए जाना है एक्सेल ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर सेव, यहां पे जी, क्योंकि मैंने बताया कि डॉट एक्सएलएस एम नॉर्मल डेटा भी कैरी करता है और वीवी कोड भी, दोनों कैरी करता है। ठीक है जी, तो आप सारे फाइल को एम में सेव करें जी। क्लियर है जी। तो आपको डेवलपर टैब चाहिए, माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना है, और फाइल की सेटिंग चेंज करनी है ताकि डायरेक्ट सेव हो डॉट एक्सएलएस एम में, मतलब माइक्रो अनेबल वर्कबुक जी। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं। अब बात होती है आगे कि अब आगे बढ़ने से पहले एक आर्टिकल आपको पढ़ना होगा। ठीक है, एक्सेल डैश वीवीए डॉट, इसमें टोटल 33 चैप्टर्स है। अब मैं ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूं आपको, रीजन है कि जब मैं शुरुआत किया था सीखना, मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे काफी हेल्प मिला था, और मैं अपने सारे स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ, सबने इसको पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्स किया है। okay. मेरी आर्टिकल नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, किसी और का आर्टिकल है, बट अच्छी चीज है तो बोलना पड़ेगा कि अच्छी चीज है सर। क्या जी, तो सिंपल इसका यूआरएल है excel-vva.com, excel-vva.com याद रहेगा जी। इसके आर्टिकल को पढ़ ले, और शुरुआत में मैं थोड़ा सा स्लोली लेके चलूंगा, मैं पहले बदल देता हूँ आपके कोर्स कुछ क्लासेस। रीजन ये है कि क्या है कि आप लोगों को पढ़ने की हैबिट नहीं रही जी, कॉलेज छोड़े हुए काफी टाइम हो चुका होगा जी, इसलिए शुरुआती में हम उतना ही आपको बताएंगे जितना आप ऑब्जॉर्ब कर पाएंगे जी। धीरे 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 हम स्पीड और टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, मैं पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि मैं सब वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि 50 ईयर ओल्ड है। ओके, मेरे पास एक सुबह में पढ़ता, अभी तो बंद कर रखा है मैंने क्लासेस, 9 बजे एक पढ़ने के लिए आते थे मिस्टर घनश्याम, ओके, उनकी एज 87 ईयर है। 87, हाँ, कनाडा से क्लास लेते हैं, अरे जयपुर के हैं वो, ओके, शॉप है, शॉप नहीं शोरूम है उनका, ओके, और उस शोरूम की पूरा सब चीज को मैनेज करने के लिए एक्सेल सीखते हैं जी। मैंने पूछा क्यों सीख रहे हैं, बोला कि स्टाफ को जो मैं कहता हूँ वो करके नहीं देता है, मेरे हिसाब से नहीं करके देता है, या मैं उसको समझा नहीं पाता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, ओके, इसलिए मैं सीख रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को अगर मैं बैठ के 4 घंटा पढ़ाऊंगा तो पढ़ पाएंगे थोड़ी,
तो इसलिए हम मेरा जो पढ़ाने का तरीका है कि पहले हम स्लोली लेके चलते हैं, फिर जी करते हैं।